नमस्ते। आज के एक्सपेरिमेंट में हम सीखेंगे साइफन के बारे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस बोतल में जो नीला पानी है उसे इस खाली बोतल में डालेंगे, और ये करने के लिए हम इस बोतल को ना तो पलटेंगे ना इसमें छेद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले चाहिए हमें एक स्ट्रॉ, फिर चाहिए एक खाली बोतल या एम्प्टी बॉटल, फिर चाहिए एक बॉटल जिसमें पानी भरा हो, उसके बाद हमें चाहिए इंक यानी स्याही, और एक इंक ड्रॉपर यानी स्याही ड्रॉपर। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। स्टेप वन, एड इंक इनटू द वॉटर यानी पानी में स्याही डालिए। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पानी जब एक बोतल से दूसरी बोतल में जाए तो वो हमें अच्छे से दिखे। स्टेप टू, इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू द वॉटर एंड रिमूव इट विथ योर फिंगर ब्लॉकिंग द ओपन एंड, यानी स्ट्रॉ को पानी में डालिए और बाहर निकालते समय स्ट्रॉ के खुले छोर को उंगली से बंद कर दीजिए। इसमें आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रॉ को आप जितना पानी के अंदर डाल सकते हैं उतना डाल पाए। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, रिलीज द ओपन एंड यानी खुले छोर से अपनी उंगली हटा दीजिए। हमने समय बचाने के लिए इस वीडियो की गति थोड़ी बढ़ा दी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पानी नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, हमने तो यही पढ़ा था कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी जल ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहता है। तो पहले चित्र में दोनों तरफ दबाव बराबर है, इसीलिए पानी नहीं बहेगा, बल्कि दूसरे चित्र में यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा है जबकि यहाँ पे दबाव कम है, इसीलिए पानी यू बहेगा। वैसे ही जब हम स्ट्रॉ से कोई जूस पीते हैं तो जब हम स्ट्रॉ से हवा अंदर खींचते हैं तो इस हिस्से में हवा के अणु कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का दबाव कम हो जाता है और बाहर की हवा का दबाव ज्यादा होता है, इसीलिए पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर खींचा चला जाता है और पानी स्ट्रॉ में घुस जाता है और इसीलिए हम जूस या पानी या कुछ भी पी पाते हैं। अब आप ये देखिए, पहले आपने स्ट्रॉ को पानी के अंदर घुसाया, फिर उसका खुला छोर बंद किया और स्ट्रॉ को बाहर निकाला, तो स्ट्रॉ के अंदर जो पानी था वो स्ट्रॉ के अंदर ही रहा, वो बोतल के अंदर नहीं गिर गया। ऐसा क्यों? याद कीजिए कि पिछले वीडियो में जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण का पालन ना करने वाले पानी की बात की थी, उसमें हमने बॉयल के नियम की चर्चा की थी। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? अगर घनफल ज्यादा है तो दबाव कम होगा, तो उसी नियम का पालन यहां भी हो रहा है। अब सोचिए कि पानी थोड़ा नीचे गिरता है, तो उसकी वजह से यहां पे जो हवा के अणु है उनका घनफल बढ़ गया, तो उनका दबाव कम हो जाएगा और जो बाहरी हवा है उनका दबाव तो पहले जितना ही है, तो वो पानी को वापस ऊपर धकेल देंगे और इसीलिए पानी बोतल में वापस नहीं जाता। तो अब आप यह तो समझ गए कि जब हम स्ट्रॉ के खुले छोर को बंद करके उसे बोतल में से निकालते हैं तो पानी के स्ट्रॉ में ही रहता है और बोतल में वापस नहीं चला जाता। अब हम देखते हैं कि पानी क्यों नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो ये मुड़ी हुई स्ट्रॉ है। अब यहाँ पे हम इस हिस्से को देखते हैं।
अब इस हिस्से में गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी नीचे की तरफ बहेगा। तो मान लीजिए कि थोड़ा पानी नीचे बह गया, तो इस क्षेत्र में अभी कुछ नहीं है। पहले पानी था, अभी कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से इस क्षेत्र का दबाव जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से ये अंदर का जो पानी है वो धकेला जाता है ऊपर की तरफ, और फिर वही पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब तक यहाँ पे पानी रहेगा इस बोतल में, तब तक ये साइफन चलता रहेगा, तब तक पानी दूसरी बोतल में जाता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। धन्यवाद।